नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एमडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। जैसे कि आप सबको पता है कि रेलवे एलपी सीबीटी 2 के लिए लगातार तैयारी आप सबके लिए कराई जा रही है, जिसमें आपको मैथ के लगातार क्वेश्चंस हम आपके दे रहे हैं। साथ ही साथ बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग के कई सारे पार्ट्स मैंने अपलोड कर दिए ऑलरेडी चैनल पे। अभी तक आपने सभी के पार्ट्स नहीं देखा तो कई सारे वीडियोज के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। साथ ही साथ आज हम लोग बात करेंगे फिजिक्स के 350 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एलपी सीबीटी 2 के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो ये पूरा का पूरा वीडियो काफी महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हम आपको सिर्फ एक पार्ट से क्वेश्चन बताएंगे, कौन कौन से पार्ट्स, सभी पार्ट्स के लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। पूरी वीडियो को जरूर देखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको सभी के सभी वीडियोज के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। वीडियो नोटिफिकेशन मिलेंगे तो आप उन वीडियोज को सबसे पहले देख पाओगे, काफी ज्यादा अपडेट भी रहोगे। अनअकैडमी मैंने कई सारे कोर्सेज पहले से ही पढ़ा रखे हैं, आप अनअकैडमी फॉलो कर लीजिए एलपी सीबीटी 2 के लिए। वहाँ पर मैंने कई सारे ऑलरेडी क्रैश कोर्स शुरू किए हैं, वहाँ पर सिर्फ आपको सीरियस बच्चे ही मिलेंगे जो वहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं एक्चुअली में। तो चलिए क्वेश्चन की बात करेंगे, 350 प्लस क्वेश्चन के ऊपर हम लोग बात करेंगे कौन कौन से क्वेश्चन है जो आप सबके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन का आंसर आपको खुद देना है, ध्यान से सुनिएगा कि मैंने ये कहा क्वेश्चन का आंसर आपको खुद देना है। नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट करते चलिएगा। ये 61वां नंबर का क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहा है, क्यों? क्योंकि ये है छठा पार्ट। 350 प्लस क्वेश्चन तो एक ही वीडियो में बन नहीं पाएंगे, पता है बच्चों आपको ये सब। तो ये छठा पार्ट है, इससे पहले के पहले दूसरे तीसरे चौथे पांचवे छठे सातवें आठवें नौवें दसवें ग्यारहवें बारहवें सभी पार्ट्स के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। कुछ वीडियोज मैंने बना दिया, मतलब 7 पार्ट तक का मैंने बना दिया है। 8वां 9वां पार्ट्स मैं डेली अपलोड करता रहूँगा, तो आप वहाँ भी मुझे फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर देखिए बच्चे सिर्फ सीरियस बच्चे होते हैं। यहाँ पर मैं आपको लिंक देता रहूँगा, यहाँ से आप वीडियोज को देख लिया करिए, इंपॉर्टेंट होगा आप सभी के लिए। 61वां नंबर इसलिए ताकि आपको एक नंबर भी आप क्या करो वहाँ पे आंसर बता सको, जब नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो तो 61 का ए है या बी है, उस हिसाब से आप आंसर भी कमेंट कर सको। नीचे कमेंट करते चलिएगा, आंसर बेहद महत्वपूर्ण। अगर चाहते हो सिलेक्शन लेना तो सभी क्वेश्चन का आंसर आपको पता होने चाहिए। ये बता दूं कि ये जो वीडियो है ये मात्रक वाली वीडियो है, इसमें हम सभी के सभी मात्रक के बारे में बात करेंगे, बेहद इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन के ऊपर प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कार्य का मात्रक, आपसे पूछा गया कौन सा कार्य का मात्रक है। सिर्फ मात्रक वाली वीडियो है, इसके बाद आपको और भी कई सारे वीडियोज बताएंगे, वाट, जूल, न्यूटन या फिर एम्पियर। सही आंसर सभी लोग कमेंट करिए, 2 मिनट का मैं आपको टाइम देता हूँ, जल्दी से सभी लोग सही आंसर कमेंट करिए, फिर मैं आपको बताता हूँ कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। तो चलिए सही आंसर की बात करेंगे, तो सही आंसर आता है जूल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, कई सारे बच्चे लगातार कमेंट करिए और बच्चों अपने दोस्तों के साथ शेयर कर डालिए, जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप है जहाँ पर यह सबके साथ शेयर करिए, ताकि सभी बच्चे इस वीडियो में आके साथ मिलकर इस क्वेश्चन का आंसर दे सके। अगले क्वेश्चन पर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, प्रकाश वर्ष किस चीज़ की इकाई है। ऑप्शन आप सबके लिए पढ़ देता हूँ मैं, समय की इकाई है, द्रव्यमान की इकाई है, दूरी की इकाई है या फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी से सभी लोग आंसर कमेंट करिए, सभी लोग जल्दी से आंसर कर कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर आप 62 डाल के उसके बाद आंसर को नीचे लिखिएगा, जल्दी से सभी लोग आंसर करिए, फिर मैं आपको बताता हूँ इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए सही आंसर की बात करेंगे तो बिल्कुल सही आंसर आता है दूरी की, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर आता है। ठीक है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, दूरी की इकाई है, बेहद आपको अच्छे से तरीके से ये पता है। जिस तरीके से मीटर हम लोग मापते हैं, दूरी को किस में मापते हैं, मीटर में मापते हैं, किलोमीटर में मापते हैं, उसी तरीके से प्रकाश जो बहुत ज़्यादा लंबी दूरियां होती हैं उनको मापने के लिए यूज किया जाता है। जैसे आपकी पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की दूरी प्रकाश वर्ष में मापते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन आप सबके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, पार्सेक किसकी इकाई है, द्रव्यमान की, चुंबकीय बल की, समय की या दूरी की। 63वां नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी से सभी लोग दीजिए, आंसर में आप लोग 63 पीछे आगे लिख दीजिएगा, 2 मिनट का समय आपको मिलता है, सभी लोग जल्दी जल्दी इसका आंसर कमेंट करें, फिर हम बात करेंगे सही आंसर के बारे में। सही है, ठीक है, दोस्तों को शेयर करते रहिए, अभी काफ़ी कम लोग आ रहे हैं, धीरे धीरे दोस्तों को शेयर करते रहिए, सभी लोग को शेयर कर डालिए ताकि ज़्यादा ज़्यादा लोग पहुँच कर इसका फ़ायदा उठा के। सही आंसर की बात करेंगे बच्चों हम लोग, इसके सही आंसर की बात करें तो सही आंसर आता है दूरी का। जैसे आपने प्रकाश वर्ष देखा था कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई थी, दूरी की इकाई थी, सेम उसी तरीके से जो पार्सेक है वो भी किसकी इकाई होती है, दूरी की इकाई होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है 64वां नंबर क्वेश्चन आप सबके स्क्रीन पर ये रहा, निम्नलिखित में से समय जो है वो कौन सा मात्रक नहीं है, निम्नलिखित में समय कौन सा मात्रक नहीं है। मतलब इसमें पूछा कि समय का मात्रक इसमें से कौन सा नहीं है, समय मापने के लिए कौन सा नहीं है। तो देखिए सभी के सभी यहाँ पे ऑप्शन आपके सही होंगे। फिलहाल इस क्वेश्चन का जो सही लैंग्वेज था वो मुझे नहीं पता चला कि लैंग्वेज क्या था, कि कौन सा इसमें सही होगा, लेकिन प्रकाश वर्ष में भी आप समय मापते हो, अधिवर्ष में भी आप समय मापते हो, चंद्रमा में भी आप सही समय मापते हो। ठीक है, 65वां नंबर क्वेश्चन आप सबके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, दाब का मात्रक बताना है। बेहद ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन, एलपी सीबीटी 1 में 3 बार ये पूछा गया क्वेश्चन, सीबीटी 2 में आ सकता है क्वेश्चन, ग्रुप डी में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, क्या है दाब का मात्रक। ऑप्शंस आपको दिख गया है कि कौन कौन से ऑप्शन मैंने दिए हैं पहले से ही, डाइन, जूल, वाट और पास्कल।
सही आंसर सभी लोग जल्दी से कमेंट करिए, 65 का आंसर नीचे कमेंट करिए। सही आंसर की बात करेंगे तो पास्कल इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी पास्कल यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होता है। डाइन बल का मात्रक है, ठीक है। डाइन किसका मात्रक है? बल का। जूल किसका मात्रक है? सबसे पहला ही क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया था, कार्य का मात्रक है। और वाट किसका मात्रक है? शक्ति का, यानी कि पावर का मात्रक क्या है? वाट है, ऑप्शन नंबर सी। तो पास्कल किसका मात्रक हो गया? दाब का मात्रक हो गया। तो आपको अगर कई सारे मात्रक याद है तो ऑप्शन में आप ऐसे ही थोड़ा सा एलिमिनेट कर सकते हो, ऑप्शन में थोड़ा एलिमिनेट करके चीजों को देख सकते हो। 66 नंबर क्वेश्चन आप सबके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, ज्योत तीव्रता का मात्रक आपसे पूछा कि कौन सा है, ऑप्टर, कैंडेला, न्यूटन या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर की बात करिए, आपको टाइम मिलता है 2 मिनट का, जल्दी से सभी लोग सही आंसर की बात करेंगे। 66 नंबर क्वेश्चन आ गया है, सही आंसर की बात करेंगे तो कैंडेला इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बाकी सभी न्यूटन में किसका मात्रक है? बल का मात्रक है, ठीक है। तो ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या हो गया? कैंडेला हो गया। 67 नंबर क्वेश्चन आप सबके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति जो है वो कब लागू की गई। आप लोगों ने बहुत सारी अंतर्राष्ट्रीय पद्धतियाँ बात किया और पढ़ा होगा, चाहे CGS की बात करें, MKS पद्धति की बात करें, SI पद्धति की बात करेंगे तो, लेकिन ये जो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति यानी SI जो पद्धति है वो कब लागू की गई, इसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। सही आंसर की बात करेंगे तो 1971 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 67 का सही आंसर क्या है? 1971। अभी तो ये आपको छठा पार्ट दिख रहा है, आपको लग रहा होगा काफ़ी देर महत्वपूर्ण, लेकिन जब आप पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा से लेकर कुल मिला के 200 पार्ट तक आप देखोगे तो आप कहोगे वाकई आपने फिजिक्स में कई सारी नई चीज़ों को सीखा है। उसमें से लेकर 7-8 पार्ट तक के जो वीडियोज़ हैं उनके लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, हर एक पार्ट जरूर देखेगा। आवाज़ थोड़ी वहाँ पर शायद क्लियर नहीं आएगी, लेकिन फिर भी आप लोग उसको जरूर देखेगा पूरी लास्ट तक की वीडियोज़ को। उसके अलावा बता दें आपको, मैं उसमें लगातार पार्ट्स अपलोड करूँगा तो आप वहाँ भी मुझे फॉलो करिएगा, जिससे आपको वहाँ पर कई सारे पार्ट्स देखने को मिल जाएंगे। बिल्कुल ऐसे मत सोचेगा कि हम लोग किसी चीज़ का ऐड करें किसी पे जाके, लेकिन बच्चों आपको यहाँ पे जो है YouTube पे काफ़ी भीड़ है, अच्छी चीज़ें आपको नहीं प्रोवाइड हो पाती, लेकिन अनअकैडमी में हर चीज़ आपको जो मिलता है वो सिर्फ आपको ऑथेंटिक चीज़ें ही प्रोवाइड कराते हैं। वहाँ पे वेरीफाइड एजुकेटर हैं हम लोग और बेहतरीन चीज़ें आपको वहाँ पे लेके आते हैं। वहाँ पे सिर्फ बच्चे वाले, पढ़ने वाले बच्चे आपको वहाँ पे मिलेंगे। 68 नंबर के क्वेश्चन के फिलहाल हम लोग बात करेंगे, क्वेश्चन को आपके लिए पढ़ के बता देते हैं कि क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं, यानी कि जो हमारी खाने वाली ऊर्जा जिसको हम लोग खाते हैं फिर बोलते हैं कि हम भैया इतना हमको बर्न करना, ये करना, वो करना वगैरह वगैरह चीज़ें, तो खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? जूल, कैलोरी, अर्ग या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर आप सभी को पता होगा, ऑप्शन के हिसाब से भी आप एलिमिनेट कर सकते हो यहाँ पे कि सही आंसर की बात क्या है। आपको मिलता है 2 मिनट का टाइम, 2 मिनट में जल्दी से इसका सही आंसर बताइए। तो चलिए दोस्तों सही आंसर की बात करेंगे तो कैलोरी द राइट क्वेश्चन ऑफ दिस आंसर, ठीक है। कैलोरी क्या है? एकदम राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। कैलोरी में ही हम लोग जितनी भी चीज़ें खाते हैं वो कैलोरी में हमारे साथ शरीर में ऊर्जा में होती हैं और हम उसे ही बर्न करते हैं। बाद में जब आप कहीं भी कोई चीज़ जिम वगैरह ज्वाइन करोगे तो आप वहाँ से देखोगे कि कैलोरी आप वहाँ से पहले बर्न करोगे, फिर आपके लिए आगे की चीज़ें शुरू हो जाएंगी। तो कैलोरी जो है यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला था विद्युत मात्रा की इकाई, यहाँ पे विद्युत मात्रा को विद्युत धारा कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे मात्रा को हम क्या कर लेंगे? विद्युत धारा कर लेंगे। विद्युत धारा की इकाई क्या होती है? अब तो आपको इसका आंसर पता चल गया होगा मुझे लगता है, ओम, वोल्ट, एम्पियर या फिर वाट। तो विद्युत धारा की अगर हम इकाई की बात करेंगे तो क्या है बच्चों? एम्पियर इज द राइट क्वेश्चन ऑफ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। स्क्रीन शॉट भी आप ले सकते हो, स्क्रीन शॉट के हिसाब से भी आप चीज़ों को आराम से पढ़ सकते हो, तो आपको वहाँ भी चीज़ें मिल जाएंगी। दोस्तों वीडियो को शेयर करिए, जितना हो सके उतना शेयर करिए। इसके अलावा आपके लिए जो सुल्तान प्रैक्टिस सेट वगैरह वगैरह प्रैक्टिस सेट चल रहे थे जो आपके लिए बेहद ही ज़्यादा महत्वपूर्ण थे, वो सभी के सभी प्रैक्टिस सेट हम लोग फिर से लेकर आ रहे हैं। थोड़े से बीच में नेटवर्क की प्रॉब्लम थी इसलिए प्रैक्टिस सेट हम लोग नहीं ला पा रहे थे, लेकिन वो सभी के सभी प्रैक्टिस सेट आपको मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। वो भी प्रैक्टिस आप लोग जरूर देखिए, बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण आप सभी के लिए। अगले क्वेश्चन में बात करेंगे, SI पद्धति में जो लेंस मापने, लेंस की शक्ति मापने की जो इकाई होती है वो कौन सी है? अच्छा क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। मैंने आपको ये क्वेश्चन का आंसर पहले ही बता दिया था, ऑप्शन में दिया हुआ था आपको एक, मैंने वहाँ से आपको बता दिया था कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। फिलहाल इस क्वेश्चन का सही आंसर सब लोग बताइए क्या होगा। 70 नंबर क्वेश्चन है, जिन बच्चों को नहीं पता वो जल्दी से नीचे आंसर के लिए वेट करो, जिनको पता है वो आंसर को कमेंट किया ताकि मैं उनका नाम भी आगे वीडियो में ले सकूं। तो डायरेक्टर इज द राइट क्वेश्चन, राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला था एम्पियर क्या मापने की इकाई है, तो रेलवे करता क्या है वो पहले से, में जैसे मैंने आपको पहले बताया कि भैया धारा की मापने की इकाई क्या थी, तो आपने वहाँ बड़ी जल्दी बता दिया एम्पियर। फिर मैंने कुछ देर बाद आपको क्वेश्चन दे दिया कि एम्पियर में क्या मापा जाता है, तो रेलवे यही काम करता है। सुबह वाले शिफ्ट में आपको दूसरा क्वेश्चन देगा, शाम वाले में क्या करेगा आपको उसी क्वेश्चन से रिलेटेड उसी क्वेश्चन का अपोजिट क्वेश्चन आपको दे देगा, जिससे आप भी ना समझ पाओ। अगर आप थोड़े से भी होशियार होगे, थोड़े से भी अगर वीडियोज़ को देखते होगे मेरे, तो आपको चीज़ें बड़ी आसानी समझ में आएंगे और आप कुछ भी खुद भी जानते हो अगर आपने LPCVT1 में हमारा देख कोर्स देखा होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? करंट सही आंसर हो जाएगा। कौन जो है वो वेक्टर, यानी कि सदिश राशि कौन सा है? तो सबको पता है भाई बल क्या है, एक सदिश राशि है।
तो ये क्वेश्चन दोस्तों मैंने डाले हुए थे, कुल मिलाकर आपको 12 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे कराए थे। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ आपका छठा पार्ट था। इससे पहले आपको 350 ज़्यादा क्वेश्चन मिलते रहेंगे और डेली मिलते रहेंगे। कुल मिला के 6 पार्ट मैंने बनाए, अभी तक तो मैं उसमें 8 पार्ट बना चुका हूँ। सभी पार्ट्स के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, सभी पार्ट देखिएगा और वहाँ पर फॉलो कर लीजिए ताकि आप वहाँ पर अपडेट रहिए। और फॉलो करने का लिंक भी आपको नीचे दिया है, तुरंत फॉलो कर लीजिए, बिल्कुल भी लापरवाही मत करिए, वरना CBT 2 आपका फीस की वजह से रह जाएगा। सिलेबस आपको पता है, सिलेबस काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो सभी चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। जो बच्चे ट्रेड से हैं, जो बच्चे मैं पीसीएम वाले हैं, उन सभी के लिए सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थैंक यू सो मच फॉर योर वीडियोज, थैंक यू सो मच, प्लीज़ यू लाइक एंड शेयर।